वेल दोस्तों, तो आज डिफरेंट आर्ट स्टाइल में ड्रॉ करूंगा मैं तांजिरो को। वैसे तो इस स्टाइल में मैंने जेनित्सु को ड्रॉ किया था इससे पहले, सो दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि क्यों ना तांजिरो को भी इसी स्टाइल में ड्रॉ करके देखते हैं। सो फटाफट से मैं आउटलाइन ड्रॉ करना शुरू करता हूँ। बाकी जब तक मैं आउटलाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, तब तक आपको भी मैं बता देता हूँ कि आप भी कुछ इस तरह के आर्टवर्क कैसे इजिली बना सकते हो। तो ये काम थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा बिगिनर्स के लिए, बट आप ठीक से रेफरेंस को सिलेक्ट करोगे तो आप ऐसे आर्टवर्क जो है एकदम इजिली ड्रॉ कर सकोगे। जैसे मैंने भी कुछ रेफरेंस ढूंढे इस ड्रॉइंग के लिए, एंड आपको भी कुछ ऐसे रेफरेंस ढूंढने होंगे। आप डायरेक्ट इन रेफरेंस का यूज करते हुए सेम टू सेम ड्राइंग कर सकते हो, लेकिन हमें जो है खुद के आर्टवर्क क्रिएट करने हैं। दैट्स व्हाई हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें बहुत सारे रेफरेंस को देखना होगा एंड उनमें से एक एक चीज को आपको पिक करना होगा। जैसे कि आपको उसका बैकग्राउंड कुछ अच्छा लग गया होगा, या फिर जो मेन पोज होगा मेन कैरेक्टर का वो आपको अच्छा लगा होगा, या कलर थीम आपको अच्छी लगी होगी, तो उन सबको जो है सेव करके रख देना है एक फोल्डर में। एंड उसके बाद सारी चीजों को एक ड्रॉइंग में जो है असेंबल करते जाना है। जस्ट लाइक मैंने आपको ठीक से समझाने के लिए इन दो रेफरेंस कुछ होना है बस। तो आप लोग देख सकते हो कि इस रेफरेंस में जो है तांजिरो का फेस इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। दैट्स व्हाई मैं क्या करूंगा, इस वाले फेस के बदले में इस वाले रेफरेंस में जो फेस है उसे ड्रॉ करूंगा। बस इतना ही करना है आपको भी, लेकिन और भी चीजों के साथ, जैसे कि बैकग्राउंड हो गया, कलर थीम हो गई, पोज हो गया या डिजाइन हो गई, ये सारे चेंजेस जो है हम नेक्स्ट लेवल में करते हैं। बट ये वीडियो मैं बिगिनर्स के लिए बना रहा हूँ, दैट्स व्हाई जो है आपको स्टार्टिंग में बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे चेंजेस करने हैं। जैसे मैंने आज इस ड्राइंग में जो है सिर्फ फेस को चेंज किया है, बस आगे जाके मैं कलरिंग करते हुए थोड़े से चेंजेस करूंगा। बाकी जो नेक्स्ट लेवल है उसके ऊपर एक वीडियो जरूर से लाऊंगा मैं इन फ्यूचर, उसमें मैं बताऊंगा कि आप भी कैसे बाकी चीजों में चेंजेस करके एक पूरी तरह से नया आर्टवर्क बना सकते हो, वो भी खुद से। सो मेक श्योर करना कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, एंड तब तक जो है आपको छोटे मोटे चेंजेस करते ही रहने हैं अपने आर्टवर्क्स में, जिससे कॉन्फिडेंस डेवलप होगा एंड आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। खैर देखो, आउटलाइन कंप्लीट हो जाने के बाद ड्राइंग कुछ ऐसी लग रही है। सो फटाफट से मैं कलरिंग करना शुरू करता हूँ, एंड मैं कलरिंग की शुरुआत जो है स्किन टोन से करूंगा, देन बैकग्राउंड को कलर करते हैं। अब बारी आती है बैकग्राउंड की, तो मैं बैकग्राउंड में सिंपली ऑरेंज कलर कर रहा हूँ, और जो बड़ा सा सर्कल है उसे व्हाइट ही छोड़ देंगे अभी फिलहाल। तो अब मैं क्लोथ में कलर करना शुरू करूंगा। वैसे तो रेफरेंस में जो है रेड कलर का क्लोथ है, बट एक्चुअल में तांजिरो का क्लोथ जो है ग्रीन कलर का है, दैट्स व्हाई मैं भी ग्रीन ही कलर करूंगा। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा चेंज किया कलरिंग करते टाइम, एंड आपको भी ऐसे ही छोटे मोटे चेंजेस ही करते रहने, उससे कॉन्फिडेंस डेवलप करना है खुद में। अब बारी आती है सेकंड लेयर की, तो मैं स्किन टोन से ही शुरुआत कर रहा हूँ सेकंड लेयर करने की भी। लेकिन हाँ, जो मैं सेकंड लेयर कर रहा हूँ वो बेस लेयर एकदम अच्छे से ड्राई हो जाने के बाद ही सेकंड लेयर कर रहा हूँ, और स्किन टोन में जो है सेकंड लेयर हो जाने के बाद मैं क्लोथ्स में भी जो है सेकंड लेयर कर दूंगा एकदम अच्छे से। अब डिटेलिंग करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले तो मैं शैडोज को दिखा दूंगा फेस के ऊपर। देन जब तक शैडोज ड्राई हो रहे हैं, तब तक मैं हेयर्स में कलर कर लेता हूँ, देन डिटेलिंग मींस बॉर्डर करना शुरू करेंगे फेस में। पहले तो मैं रफली जो है ब्राउन कलर से डिटेलिंग करूंगा, देन ब्लैक कलर से एकदम प्रॉपर डिटेलिंग करेंगे। और मैं बहुत ही ज्यादा केयरफुली डिटेलिंग कर रहा हूँ फेस के ऊपर, जिससे फेस जो है दिखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा एंड क्लीन लगे। और मैं फेस में डिटेलिंग जो है इसी रेफरेंस के हिसाब से कर रहा हूँ, बस बाद में आइज बॉल की पोजीशन थोड़ी सी चेंज कर दूंगा। तो अब हेयर्स की बारी आती है, तो सिंपली मैं हेयर्स में जो है बॉर्डर करूंगा एंड ब्लैक कलर से एकदम अच्छे से शेडोज को दिखाऊंगा।
अब बारी आती है मेन काम की, तो पहले तो मैं ग्रीन ग्लोथ में एकदम अच्छे से शेडोज को दिखा देता हूँ, फिर ब्लैक कलर से बॉर्डर करेंगे। तो देखो क्लोथ कुछ ऐसा लग रहा है अभी। अब मैं सिंपली तांजोरो के जो क्लोथ के ऊपर ब्लैक कलर के बॉक्सेस रहते हैं उन्हें कलर करूंगा एकदम अच्छे से। मैं रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही वो बॉक्सेस को जो है कलर करूंगा। जहां पर भी व्हाइट कलर के बॉक्सेस है रेफरेंस में, वहां पर मैं सिंपली ब्लैक कलर कर दूंगा। अभी जहाँ पर भी कलर करना बाकी रह गया था वहां पर मैं कलर कर देता हूँ एकदम अच्छे से। देन मैं तांजोरो के पैंट्स में जो है फिर से रेड कलर करूंगा थोड़ा सा कलर जो है लाइट करने के लिए। और कलर ड्राई होते ही मैं ब्लैक कलर से बॉर्डर एंड मार्क कर लूंगा कि कहाँ कहाँ पर मुझे शेडोज को दिखाना है, देन उसमें एकदम अच्छे से कलर करेंगे। सो अब एक साइड हो चुकी है पूरी तरह से डन। अब बारी आती है दूसरी पार्ट की, सो फटाफट से उसे भी एकदम अच्छे से बॉर्डर कर लेते हैं एंड एकदम अच्छे से शेडोज को भी दिखा देते हैं। वैसे मैं पैंट्स में शेडोज दिखाने के लिए जो है मरून कलर का ही यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन उसमें मैंने थोड़ा सा ब्लू कलर यूज़ किया है शेडोज को थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए। अब सबसे आखिर वाला काम जो है बैकग्राउंड में डिटेलिंग करना। मैं सिंपली रेफरेंस में जैसे डिजाइन है वैसे बना दूंगा एंड जब तक मैं बैकग्राउंड को कंप्लीट कर रहा हूँ तब तक मैं आपको एक समरी दे देता हूँ कि आप भी कैसे इस तरह के आर्टवर्क बना सकते हो। पहले तो जैसा मैंने कहा कि आपको रेफरेंस ढूंढने होंगे बहुत सारे, देन उनमें से आपको जो भी चीजें अच्छी लगी होगी उनको पिक करना होगा, जैसे कि बैकग्राउंड हो गया, कलरिंग थीम हो गया एक्सेट्रा। देन उन सारी चीजों को जो है एक ड्रॉइंग में असेंबल करना होगा। और हाँ, मैं पहले ही बता दूं आपको, स्टार्टिंग में जो है बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे चेंजेस करने हैं जिससे आपका एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। बट हाँ, जरूर से ट्राई करना बड़े बड़े चेंजेस करने का भी, जैसे कि पूरा का पूरा पोज एक नए से ड्रॉ करने का, फिर वो बात की बात है। बाकी आपको इस वीडियो में थोड़ा सा तो समझ में आ ही गया होगा कि आप ऐसे आर्टवर्क जो है कैसे बना सकते हो खुद से। थोड़ा सा भी समझ में आ गया होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताना कि हाँ मुझे समझ में आ गया है थोड़ा सा। तो फिर बैकग्राउंड को कम्प्लीट करने के ऊपर फोकस करते हैं। अभी मैं हैंड्स में बॉर्डर करूंगा, तब तक जो बैकग्राउंड का कलर है वो भी एकदम अच्छे से ड्राई हो जाएगा। अब मैं सिंपली ब्लैक कलर का यूज करते हुए रेफरेंस में क्लाउड के ऊपर जैसे पैटर्न बने हैं उनको बना दूंगा। फिर जो ऊपर वाले क्लाउड्स हैं उनमें बॉर्डर करेंगे और सबसे आखिर मैं स्वॉर्ड को कलर करूंगा। मैं तो फाइनली ड्राइंग तो कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आप लोगों को भी ये ड्राइंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।